अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और भाई आज की सुबह हमारी ऐसे हुई है कि इस वाले फूल के जैसे हुई है। वाह 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 वाह। और ये हमारे फरहान भाई हैं। फरहान भाई कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत है? नहीं नहीं खैरियत नहीं है भाई। ये देखो ये होगा, उस दिन आपने मुझे जलील करके सुबह उठाया, आज मैंने आपको उठा दिया। आपने बगैर किसी वजह के उठाया था, मैंने काम से जाना है तभी उठाया आपको। गलत बात है, अपने व्लॉग के लिए खबर ये तो होगा। बात है वो बाद में करते रहेंगे। तो भाई अब काम हमारा ये था कि सुहेल का काम था और हमने जाना है एक जगह पे। सुहेल भाई है ही नहीं, गायब है, मार्केट से शार्ट हुआ है। तो अभी पहले सुहेल को मैंने कॉल वगैरह किया, कॉल नहीं उठा रहा है वो। अभी उसके घर चलते हैं, छापा मारते हैं कि क्या सीन है। आपको मैं साथ लेके चलूंगा, कहीं भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे समझ आ गई है कि क्या सीन है। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं सुके। तो अभी आपको भी साथ लेके चलता हूँ और यहाँ से चलते हैं सुहेल के घर, उसके बाद चलेंगे जहाँ हमने जाना था। तो चलते हैं वहीं पे डायरेक्ट। भाई तो हम लोग जा रहे हैं अभी सुहेल के घर और बस अभी देखते हैं, कॉल भी नहीं उठा रहा है अभी तक। उसने कोई कॉल हमारी नहीं उठाई है, तो उसके बाद अभी घर ही चलते हैं, गेट बजाते हैं। अगर आ गया तो आ गया, वरना हम भी जाके सो जाएंगे। यार अभी तीन बार मैं गेट बजा चुका हूँ और किसी ने भी नहीं खोला है। अभी एक आखिरी लास्ट ट्राई करता हूँ, बस खुल गया तो खुल गया, नहीं खुला तो फिर नहीं खुला, फिर चले जाएंगे हम, गुम हो जाएंगे फिर। भाई मेरी तो बस हो गई, अभी फरहान भाई आखिरी लास्ट ट्राई मार रहे हैं। सुहेल ये फाइनली ये शख्स आ गया। भाई ये वो हस्ती है जिसने हमें सुबह सुबह को उठाया और खुद सोया हुआ है। दिल तो कर रहा है तुझे मैं यहीं पे यूं गलियों में मैं यूं घसीटूं दिए, यूं घसीटेगा। और हमें पानी भी नहीं पिला रहा है ये पानी। अबे भाई मैं अंदर जाऊंगा, मेरे को पे वो मारेगा। क्यों मारेगा? बस 7 बजे का। तो भाई कहाँ से जा रहे ना, फजूल तो नहीं जा रहे ना। 4 बजे मैं रात को सोया। भाई ये हमें डकी भाई और डकी बहन दोनों मिल गए। हम लोग ना वायरल हो जाएंगे अब। हमारे को डकी भाई से हमारा मीटअप हो गया और अब हम लोग वायरल। भाई हमारे से ड्रेस लगाओगे? नहीं। आज चलो आज आज। हमने जिस जगह जाना था उस जगह का टाइम है 9 का, अभी 8:30 हो रहे हैं। तो हमने बोला भाई आधा घंटा कुछ कर ही लेते हैं। तो इतने में याद आया कि नाश्ता ही कर लेते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और नाश्ता मैं आपको हर ब्लॉग में दिखाता हूँ, इस ब्लॉग में मैंने बोला नाश्ता नहीं दिखाऊंगा आपको नाश्ता। मगर आप यार सब्सक्राइबर हो, मेरे व्यूअर हो, तो मैं आपके साथ धोखा नहीं कर सकता। बस 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 अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। आंसू आ जाएंगे। धोखा नहीं कर। तो नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे जहाँ हमने जाना था। और बस अभी नाश्ता कर दे दो भाई, नाश्ता करने दो और मेरे साथ रहना, जाना मत कहीं। ओके okay. ये हमारा नाश्ता तैयार हो रहा है और ये भाई वाह 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 वाह। तो भैया नाश्ते को देख के आपके मुंह में पानी आया नहीं आया? पानी क्या आया, ये नदियाँ बहने लगी। नज़र तो कुछ नहीं आ रहा है। अब हर चीज़ दिखाई थोड़ी जा सकती है, मगर मेरे फैंस के साथ हर चीज़ दिखानी है भैया आपको, पहले बहुत बढ़िया। सेल भाई जी, भाई बहुत मनुष आ रहे हो। well done, well, well done. भाई सर नीचे कर लेना सही है। ये क्या था? ये भाई यहाँ पे मुहर्रम की तैयारियाँ चल रही हैं और ये सारा सीन है। भाई ये आ गए हम लोग और ये फरहान भाई बाइक पार्क कर रहे हैं और अभी आ गए जी ना। भाई सीन कुछ ऐसा है, अभी हॉस्पिटल आ गए और सुहेल भाई ने 2 दिन इंजेक्शन लेट किया। इसका इंजेक्शन था सैटरडे को और आज है मंडे। उसने 2 दिन इंजेक्शन लेट किया, अब ये सोच रहा है कि डॉक्टर को टोपी क्या करवाऊँ। भाई डॉक्टर को टोपी क्या करवाएगा, क्या कराएगा टोपी? टोपी क्या कराएंगे, सोच लिए भाई। बोलूँगा भाई हफ्ते वाले दिन आ रहा था, फिर आधे रास्ते से वापस चला गया, मूड चेंज हो गया, नींद आ रही थी। अगले दिन मैं आ रहा था तो ये जो सामने कैमरा पकड़ के बंदा खड़ा है, मेरे ये व्लॉग बनाने मुझे ले गया था। ये फंस गया सी है। अभी उसको यही टोपी कराएंगे कि भाई
एक दिन मेरा मूड चेंज हो गया, दूसरे दिन ये बंदा मेरे को अपने साथ खींच के ले गया। अगर अगर उसने ये टोपी एक्सेप्ट नहीं की, उसने बोला मैं इंजेक्शन नहीं लगा रही, जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, फिर क्या करेगा? फिर मैं उसके पैर पकड़ लूंगा। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। मैं बोलूंगा कि यार बाजी, अल्लाह आपको मेरे जैसे दो बेटे देगा, मुझे इंजेक्शन लगा दो। ये तूने दुआ दुआ दी है उसको या बदवा दी है? यार आपको जो समझ आपको जो समझ आए, लेकिन हमारी तरफ से ये दुआ ही होगी कि मेरे जैसे दो बच्चे जिसको मिलेंगे वो खुश रहेगा। बस कर दिया जिना हॉस्पिटल है, इधर हम लोग अंदर गए थे। हॉस्पिटल ये एमएल दंती है भाई, ये जिना हॉस्पिटल है, इधर हम लोग अंदर गए थे, हमारे को जलील करके बाहर निकाल दिया। बोलते हैं भाई अंदर नहीं बैठो, हमने बोला क्यों? क्योंकि बोलते हैं मोहरम का मोहरम है आज, तो अंदर नहीं बैठो तुम लोग। हमने बोला यार सही, अंदर नहीं बैठते हम, हाँ यहाँ पे सामने पाए पड़े हुए थे, बहुत आला बैठने की जगह थी, सही दरख वरख लगे हुए, ठंडी हवा आ रही थी, हमने बोला यहीं पर बैठ जाते, क्योंकि एक बार जब बंदे की जलालत हो जाए ना, फिर बंदा उस जगह जाता भी नहीं है। तो इसी वजह से ये भाई जो बैठे हैं, क्या हुआ भजन आपको? सुहेल भाई ने इंजेक्शन लगवा दिया और अभी हम लोग उल्टे उल्टे चल रहे हैं, क्योंकि सुहेल भाई को कुत्ते ने काटा था और मेरे को इसी ने काट लिया दोबारा। अच्छा तो भाई सुहेल भाई आपका इंजेक्शन लग गया है तो मैं बहुत खुश हूँ। आपसे पूछा नहीं डॉक्टर ने कि क्यों आए थे, क्या मतलब? कुछ भी नहीं, डॉक्टर ने पूछा भाई क्यों नहीं आए, मैंने बोला यार ये मसला था तो ब्लॉग बनाने गया था। आप ब्लॉगर हो? मैंने बोला जी। बोला फिर तो जल्दी जल्दी लगाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं वो बोलती शक्ल से तो नहीं लगते, मैंने बोला क्या मतलब है, बोलते तुम्हारी शक्ल फिटे मुँह है, तुम ब्लॉगर तो लगते नहीं हो। फिर मैंने बोला आप चेक कर लेना, फिर हमारे पूरे 120 सब्सक्राइबर चलना, बस अभी लंबी नहीं कर, अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा मुझे ये बता तुझे कैसा महसूस हो रहा है इंजेक्शन लगवाने के बाद? हाथ जाम हो गए हैं, उससे यही घुसा के दबा दिया भाई। हमने आप लोगों को दिखाया इस वजह से नहीं, क्योंकि उधर और भी पेशेंट होते हैं और अलाउ नहीं था कैमरा, तो इस वजह से नहीं दिखाया। अभी पूछ लेते हैं कैसा कैसा मतलब क्या मतलब फील हो रहा है आपको इंजेक्शन लगवाने के बाद? देख मैं तेरे को दिखा ही देता हूँ। नहीं नहीं दिखानी। अबे उससे झटके से डाला है टीका बाजी ने माशाल्लाह से। और तो भाई अभी सारा सीन डन हो गया और अभी हम लोग आ गए अपने घर की साइड पर। सुहेल का काम भी हो गया, हमारा भी हो गया, जो हमने करना था वो हमने ऑफ कैमरा कर दिया अपना काम, थोड़ा पर्सनल था इस वजह से नहीं बताया, और बस यही है सीन सारा। अभी बिल्कुल हालत टाइट हुई हुई है और अभी चलते हैं घर पे, आराम वगैरह करते हैं, तो उसका ब्लॉग करते हैं यहीं पे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और उसके साथ 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 बेल आइकन भी होगा, वो भी प्रेस करना नहीं भूलना बेल आइकन। तो अभी सांस भी फुल गई है थोड़ी सी, अभी चलते हैं यार, बहुत थकावट हो रही है, अभी चलते हैं सोते हैं। आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। खुदा हाफिज़। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।